हेलो फ्रेंड्स, अभिषेक.in में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गूगल अकाउंट का कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे चेंज करें, जैसे फोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, जेंडर, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं केवल एक मिनट में। तो आप ये वाला काम अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं और लैपटॉप में भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों में करके दिखाऊँगा और एकदम शॉर्ट तरीका से, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखें। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको फ़ोन पर बता देता हूँ कुछ बातें। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाइए और सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे गूगल, इस पर क्लिक कर लीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट, ठीक। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये गणेश का ईमेल आईडी ओपन हो चुका है। अगर आपके फ़ोन में मल्टीपल ईमेल आईडी है तो आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं गणेश कुमार लिखा हुआ है और उसके नीचे गणेश कुमार का ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको गणेश कुमार के ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। तो आपके फ़ोन में जितना भी ईमेल आईडी होगा आपको दिखाई देगा और आप जो भी ईमेल आईडी को एक्सेस करना चाहते हैं केवल आप उस पर क्लिक कर लीजिए। गणेश से गोविंद भी कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गोविंद का ईमेल आईडी यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन को चेंज करूँगा ये गोविंद का चेंज होगा, ना कि गणेश के। तो आप जो भी यहाँ से सेटिंग करेंगे वो केवल गोविंद पर होगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे पे करें तो आप यहाँ से आकर यहाँ गणेश से फिर सिलेक्ट कर लूँगा और अब मैं जो भी इन्फॉर्मेशन को चेंज करूँगा ये गणेश पे चेंज होगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से जेंडर, यहाँ से पासवर्ड, यहाँ पर बहुत सारा आपको मिल जाएगा, ठीक। मैं आपको और भी बता दूंगा। और आपको फ़ोटो चेंज करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं आइकन बना हुआ है फ़ोटो का, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको अब कंप्यूटर पर दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक। मैं वहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन यानी नॉलेज ज़रूर रखें, क्योंकि आने वाला समय केवल टेक्नोलॉजी का है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो मिलता रहे। और आप मेरे यूट्यूब में जाके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और मोबाइल टेक्नोलॉजी का वीडियो भी देखें ताकि आपको बहुत सारा ज्ञान हो, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया रखा है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर पर कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है आपका जो भी नाम होगा उसका एक लेटर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिख रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जो फ़ोन पे ओपन किया था सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो का आइकन बना हुआ है, आप यहाँ से अपना फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से सिक्योरिटी इशू फाउंड है, आप यहाँ से सिक्योरिटी में जो भी इशू है आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो इस पर क्लिक करके आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपका जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। और यहाँ पे जेंडर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पासवर्ड है, ठीक। और यहाँ से आप सिक्योरिटी को चेंज कर सकते हैं जो भी आपको करना है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ इशू आ रहा है अभी सिक्योरिटी से लेकर, यानी इसका पूरा सिक्योरिटी जो है अभी पूरा तरह से सिक्योर नहीं है। मैं आपको दूसरा अकाउंट का दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से एक ले लूँगा दूसरा अकाउंट, जैसे यहाँ पर लिखा है अभिषेक, और मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैनेजर गूगल अकाउंट में आ जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वी कीप योर अकाउंट प्रोटेक्टेड, यानी एकदम ग्रीन का टिक लगा हुआ है, यानी अकाउंट ये बिल्कुल सिक्योर है। और यहाँ पे फोटो चेंज हुआ है आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको अकाउंट स्टोरेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 GB हमको मिला था यूज करने के लिए, जिसमें से हम 8.7 GB यूज कर चुके हैं। आप ये सब प्रोसेस फ़ोन पर भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये भी नॉलेज दे रहा हूँ कि आप कंप्यूटर पे भी करें ताकि आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज हो। और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से सिक्योरिटी, यहाँ से बहुत सारा मिल जाएगा, यहाँ से अबाउट भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले वाला ईमेल आईडी को ओपन कर लिया है, मैं होम पे आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं होम पे हूँ और यहाँ से फ़ोटो पर मैं क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ से हमको बोला जा रहा है कि आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है सेलेक्ट ए फ़ोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक। आप यहां अपने मोबाइल से सेलेक्ट कीजिएगा, मैं यहां पे कंप्यूटर से कर रहा हूं। मैं आपको फ़ोन पे भी दिखा दूंगा कुछ फ़ोटो चेंज करके। तो मैं यहां पे क्लिक कर लेता हूं। अब यहां से लोकेशन पूछ रहा है कि आपका फ़ोटो कहां पे है। तो मैं यहां से डेस्कटॉप पे आता हूं और यहां PNG में कुछ फ़ोटो है, मैं उसी को ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर एक पिक है, मैं इसी को ले लेता हूँ। और यहाँ देख सकते आप अपलोडिंग हो रहा है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि आप अपना फ़ोटो को क्रॉप कर लीजिए यानी सेलेक्ट कर लीजिए
जो भी लगाना है। तो ये मेरा हो चुका है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा अब, ये मेरा हो जाने के बाद सेट एज प्रोफाइल फोटो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरा फोटो सेव हो जाएगा मेरे ईमेल आईडी पे। तो अब देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल फोटो बन चुका है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे चेंज करेंगे। तो आप सिंपल सा देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे फोटो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको मोबाइल फोन में यहीं से करना होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाकर, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नेम, यहाँ पे लिखा है राजू कुमार, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ से राजू कुमार को चेंज भी कर सकता हूँ, जो भी चेंज करना चाहूँगा मैं कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे राजू प्रसाद लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्रसाद लिख चुका हूँ और मैं यहाँ से सेव पर क्लिक कर दूँगा। ठीक, तो ये जो मैं नाम लिखा हूँ ये सेव हो जाएगा। तो ये मेरा चेंज हो चुका है, मैं यहाँ से बैक हो जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है राजू प्रसाद। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और जो भी मुझे डेट ऑफ बर्थ रखना है आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा और यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ कोई भी देखे तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं केवल आपका प्राइवेट डेट ऑफ बर्थ रहे तो आप इस पर क्लिक कीजिए। मैं आपसे कहूँगा कि आप प्राइवेट ही रखें क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि ये आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। ठीक, तो मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सेम ठीक है, यही ठीक है। और यहाँ से आप जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका जो भी जेंडर है, आप अगर औरत हैं यानी लड़की तो आप इस पर क्लिक कीजिए, अगर आप मेल हैं यानी पुरुष तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ आप चाहते हैं कि आपका जेंडर भी कोई ना दिखे तो आप यहाँ पे ओनली यू रखिए, अगर चाहते हैं कि सब कोई देखें तो आप यहाँ इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक, तो मैं इसे भी कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चूज करना है। और यहाँ से पासवर्ड, अगर आप चाहते हैं अपना पासवर्ड चेंज करना तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जो आपका पुराना पासवर्ड था इस पर क्लिक कर लीजिए। और उसके बाद एक आपको पॉपअप दिखाई देगा जिसमें बोला जाएगा कि न्यू पासवर्ड डालिए और कॉन्फर्म पासवर्ड डालिए। ठीक, तो आपको पासवर्ड डाल लेना है और सेव पर क्लिक कर देना, आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। मैं आपको ये टास्क के तौर पर दे रहा हूँ, आपको अपना दिमाग लगाना है और अपना पासवर्ड को चेंज करते रहना है। ठीक, तो आपको पासवर्ड अपना ज़रूर चेंज करना है क्योंकि हमें अपने अकाउंट को सिक्योर रखना चाहिए। ठीक, तो मैं यहाँ से भी बैक हो जा रहा हूँ। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी अपना देख सकते हैं और इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ईमेल आईडी है और यहाँ पे लिखा है रिकवरी ईमेल आईडी, तो इसमें कोई भी ऐड नहीं किया गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि रिकवरी ईमेल आईडी कौन सा और किसे कहते हैं। तो देखिए, रिकवरी ईमेल आईडी उसे कहते हैं हम लोग, जैसे मैं अपने पासवर्ड भूल जाता हूँ ईमेल आईडी का, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे जाकर फॉरगेट पासवर्ड करूँगा, तो वहाँ पे मुझे बोला जाएगा कि आपको क्या चीज़ से फॉरगेट करना चाहते हैं। जैसे आप पासवर्ड भूल गए हैं तब तो मतलब उसको रिसेट करने के लिए कौन सा माध्यम चूज करना चाहते हैं। अगर आप उसमें मोबाइल नंबर दिए होंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, अगर आप रिकवरी ईमेल आईडी दिए होंगे वहाँ पर आपको ईमेल आईडी अपना रिकवरी और ईमेल आईडी चूज करना होगा और उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड जाएगा, आप उसे डालकर अपना पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। ठीक, तो आपको अगर ईमेल आईडी रिकवरी ऐड करना है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। तो आप देख सकते, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटर योर पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना है अपना, और जैसे आप पासवर्ड डालकर नेक्स्ट कीजिएगा तो आपसे बोला जाएगा कि अपना रिकवरी ईमेल आईडी डाल लीजिए। ठीक, तो आपको वहाँ पे रिकवरी ईमेल आईडी डाल देना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि मैं बता नहीं रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ पहले, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर चुका हूँ और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ। अगर आप अपना पासवर्ड देखना चाहते हैं कि आप पासवर्ड क्या डालें तो इस पर क्लिक कर लीजिए, शो पासवर्ड पर आपको अपना पासवर्ड दिख जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। ठीक, तो मैं अपना ईमेल आईडी जो भी रिकवरी ईमेल आईडी है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना रिकवरी ईमेल आईडी डाल चुका हूँ और मैं यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक करूँगा तो मेरी ईमेल आईडी पर जो भी मैं ईमेल आईडी यहाँ पर डाला हूँ उस पर एक OTP जाएगा। ठीक, मैं उस OTP को यहाँ पर फिलअप कर लूँगा। चलिए मैं देख लेता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप आ चुका है वेरीफाई के लिए। तो चलिए मैं अपना वो वाला अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जो रिकवरी ईमेल आईडी के लिए मैं दिया हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया उस अकाउंट पे, यहाँ से मैं ईमेल जीमेल खोल लूँगा और मैं यहाँ पे अपडेट पे आ जा रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है रिकवरी ईमेल आईडी वेरीफिकेशन। ठीक, मैं यहाँ पे इस पासवर्ड को कॉपी कर ले रहा हूँ OTP को और मैं इसमें आकर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, और वेरीफाई पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये रिकवरी ईमेल आईडी सेव हो चुका है। ठीक, तो ये सेव हो चुका है, अब मैं यहाँ से बैक हो सकता हूँ। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये मेरा रिकवरी ईमेल आईडी
सेट हो चुका है यहाँ पे। ठीक, अब लिखा है कॉन्टैक्ट ईमेल, यानी कोई मुझे इस ईमेल के द्वारा कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो उसे कौन सा ईमेल आईडी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है यह ईमेल आईडी उसको मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा है अल्टरनेट ईमेल आईडी, यानी आप चाहते हैं कि कुछ और ईमेल आईडी इसमें डालें तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अबाउट मी आप अपने बारे में यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। ठीक, तो मुझे ये नहीं करना, मैं यहाँ से बैक हो जा रहा हूँ। अब दिया है यहाँ पे फ़ोन, मैं इस पर क्लिक कर ले रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी फ़ोन होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी कनेक्टेड इससे लॉगिन होगा इस ईमेल आईडी से, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे आपको जो भी फ़ोन नंबर आप यहाँ पे दिए होंगे वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी देख सकते हैं और यहाँ से अपने फ़ोन नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इसे चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा और यहाँ जो आइकन दिख रहा है, या फिर डिलीट करना है इस पर, और यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है मैं इस पर क्लिक करूँगा और मुझे चेंज करना होगा तो मैं यहाँ पे अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड डालूंगा और नेक्स्ट करूँगा और वहाँ पे आएगा तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि आप न्यू अपना फ़ोन नंबर डालें, तो आप डाल लीजिएगा और नेक्स्ट कर लीजिएगा, यानी सेव कर लीजिएगा, तो आपको वो वाला फ़ोन नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक, तो आप जान गए कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे चेंज किया जाता है। अब यहाँ पे दिया है सिक्योरिटी, तो आप यहाँ से बहुत सारा देख सकते हैं, जैसे रिकवरी ईमेल आईडी कब चेंज हुआ था, रिकवरी कब ऐड हुआ था, अकाउंट नेम कब चेंज हुआ था, यहाँ पे आ रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे साइन इन गूगल अकाउंट यहाँ पे दिया रहा है, यहाँ पे दिया है यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन, अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आपके फ़ोन पे ओटीपी भेजा जाएगा तभी आपका ईमेल आईडी लॉगिन होगा, या फिर आप टू स्टेप वेरीफिकेशन कर सकते हैं, जो भी आपके फ़ोन में पहले जो फ़ोन में ईमेल आईडी डाला होगा उस पर एक वेरीफिकेशन जाएगा कि आप इस मोबाइल को ऐड करना चाहते हैं, आप वहाँ से क्लिक कीजिएगा तभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक, और यहाँ पे रिकवरी फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे रिकवरी ईमेल आईडी, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईमेल आईडी कौन कौन से डिवाइस में भी एक्सेस हो रहा है। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप विथ अकाउंट एक्सेस, यानी यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो भी है दूसरा यहाँ पे इसका एक्सेस ले रहा है गूगल अकाउंट का, तो यहाँ पे व्हाट्सअप है जो इसका एक्सेस ले रहा है बैकअप लेने के लिए। ठीक, और यहाँ पे और भी एक फ़ोन होगा शायद, तो आप देख सकते हैं इस ईमेल आईडी से चार फोन अभी लॉग इन है। ठीक, आप जिसको चाहें यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, देख सकते साइन आउट है, या आप फाइंड भी कर सकते हैं कि आपका ये फ़ोन कहाँ पे है। चलिए मैं आपको एक फ़ोन का दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ रियलमी 3 है, मैं इसे फाइंड करना चाहता हूँ, मैं फाइंड पर क्लिक करूँगा और यहाँ लिखा है ट्राई कॉलिंग योर फ़ोन या साइन आउट या रीच आउट योर, तो आप जिस भी जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप ट्राई कॉलिंग कीजिएगा तो उस फ़ोन पे कॉल भी जाने लगेगा, तो आप इसे अपने अनुसार देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है डाटा एंड पर्सनलाइजेशन, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है लोकेशन हिस्ट्री, मैं इसे पॉज किया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा लोकेशन का हिस्ट्री कोई भी ना दिखे, तो यहाँ पर पॉज है। अगर आप चाहते हैं आप क्या इंटरनेट पर सर्च करते हैं आप उसे भी बंद करना चाहते हैं कि आपका गूगल उस डाटा को सेव करे, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ दिया है वेब एंड ऐप एक्टिविटी, आप इसे ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे पुज कर दीजिए। ठीक, अब आप कोई भी इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, जो भी ब्राउज़र पे, आपका कोई भी डाटा सेव नहीं किया जाएगा। मैं इसे ऑन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे है YouTube हिस्टोरी, आप चाहते हैं कि आपका YouTube का हिस्टोरी कोई ना देख पाए या ना चेक कर पाए तो आप इस पर क्लिक कीजिए और जाकर हिस्ट्री को ऑफ कर दीजिए। और यहाँ पे दिया है ऐड पर्सनलाइजेशन, आप इस पर क्लिक कर लीजिए और इसे आप अगर ऑफ कर देते हैं तो आपके फ़ोन पे कोई भी गूगल की तरफ से ऐड नहीं दिखाया जाएगा। ठीक, जैसे आप लोग बहुत सारे देखते हैं कोई भी ब्राउज़र ओपन करते होंगे तो बहुत सारा ऐड आपको दिखाई देता होगा, यहाँ सब आपको नहीं दिखाई देगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छा से समझा पा रहा हूँगा, तो अब मैं आपको कुछ फ़ोन पे भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है गणेश, मैं यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आऊँगा और यहाँ से फ़ोटो में भी क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर लिखा है सेट प्रोफाइल फ़ोटो, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे चूज, अगर आप कैमरा से लेना चाहते हैं तो टेक फोटो पर क्लिक कर लीजिए, अगर आप अपने गैलरी से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो चूज फोटो पर क्लिक कर लीजिए और अपने अनुसार जो भी फ़ोटो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक कर लीजिए। ठीक, तो आप जान चुके हैं कि अपने इन्फॉर्मेशन को कैसे चेंज करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहे। और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जो आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।